श्रावस्ती, 5 किलो नाजायज चरस और एक टवेरा गाड़ी के साथ 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। मलीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी गश्त के दौरान मिली, जब उनको 5 किलो नाजायज चरस व एक टवेरा गाड़ी के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा किया कि थाना प्रभारी देवेंद्र पांडे मय हमागीर गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें नानपारा की तरफ से एक टवेरा गाड़ी आती हुई दिखाई दी। पुलिस को देखकर चालक गाड़ी को नानपारा की तरफ मोड़कर भागने लगा। तभी पुलिस ने पीछा कर 500 मीटर दूर जाकर उसको पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान सत्यनारायण पुर बारा पुत्र मदन मोहन पुर बारा निवासी साकेत स्वर्गीय हीरा देवी मार्केट केथी बाजार, रितेश पुत्र मुन्ना निवासी मर्दन नाका मोहिनीगंज, धर्मेंद्र ओमकार पुत्र राधेश्याम निवासी बिनियोरा, भरत पुत्र श्यामलाल निवासी मदन नाका थाना कोतवाली नगर बांदा के रूप में हुई। इनके कब्जे से पुलिस को 5 किलो नाजायज चरस और एक टवेरा गाड़ी बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए युवकों को NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेजा गया। श्रावस्ती से प्रदीप गुप्ता के साथ कैमरामैन नफीस सिद्दीकी की रिपोर्ट। मल्लीपुर की थाने की टीम और क्राइम जनपद की क्राइम ब्रांच ने मिलकर के कल रात मल्लीपुर थाना क्षेत्र से एक क्रावड़ा में सवार 4 लोग गिरफ्तार किए। 4 लोग के पास से अवैध जरस बरामद हुई और जो काफ़ी मात्रा में है। इसको अपने कब्जे में लेकर के इन सबके खिलाफ मुकदमा लेकर कार्रवाई की जा रही है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस देख रहे हैं, कहाँ पर दिल्ली आना चाहते थे, कहाँ से लेकर आते थे, उसे भी बताया। 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनके परिजन यहाँ अभी पहुँचे हैं। उनका ये कहना है कि ये 12 तारीख को